हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं TFWS को एकदम डिटेल में कवर करने वाला हूं, ताकि आपको TFWS से रिलेटेड कोई भी जो डाउट या फिर क्वेरी जो है वो ना रहे, राइट फ्रॉम फुल फॉर्म से लेके तो कट ऑफ तक हम जो है वो जाने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस कुल मिला के मैं तीन पार्ट में आपको जो चीज़ें है वो बताऊंगा। सबसे पहले गाइस मैं आपको TFWS से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है जो कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में वो बताऊंगा। सेकंड गाइस फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस टाइम हमें TFWS के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, फी स्ट्रक्चर में ओवरऑल कितना डिफरेंस आता है, कितना बेनिफिट हमें मिलता है, एंड कुछ कमेंट्स का भी मैं जो है वो रिप्लाई करूंगा। एंड लास्ट पार्ट में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल कट ऑफ में जो है वो कितना डिफरेंस आता है, एंड कैसे गाइस आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनानी चाहिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर गाइस अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो TFWS है ये होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, कितनी सीट्स इसमें होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो है वो क्या होता है, एंड कौन से कोर्सेज में हमें जो TFWS है वो देखने को मिल जाता है। तो TFWS का गाइस जो फुल फॉर्म है वो होता है ट्यूशन फी वेवियर स्कीम। हमें नाम से ही समझ में आ जाता है गाइस कि अगर इस स्कीम के थ्रू अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको कोई भी जो ट्यूशन फी है वो पे नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गाइस आपका ओवरऑल जो फीस है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसका अगर हम देखते हैं गाइस और डिटेल में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में, तो जिस भी कॉलेज का जो भी सैंक्शनड इनटेक होता है गाइस, सपोज किसी कॉलेज का 120 का इनटेक होगा किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच का, तो उसमें 5% ऑफ जो सीट्स है वो TFWS के लिए पहले से ही जो है वो रिजर्व रहेगी। ये कहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है, तो ये हमें गाइस सीट मैट्रिक्स से पता चलता है। सीट मैट्रिक्स कहाँ पे देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट होता है गाइस कि क्या सभी कॉलेजेस में TFWS की जो सीट्स है वो अवेलेबल होती है, तो ऐसा नहीं है। जिन कॉलेजेस में जितना इनटेक होता है उस इनटेक में अगर 50% के आसपास जो एडमिशन है वो होता है, मिनिमम अगर 50% एडमिशन होता है उन कॉलेजेस में, उन्हीं कॉलेजेस में आपको TFWS जो है वो देखने को मिलेगा। जिन कॉलेजेस में 50% से कम एडमिशन होता है वहाँ पे आपको TFWS का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में TFWS है या नहीं है, तो वो भी हमें सीट मैट्रिक्स से पता चलेगा, ठीक है। तो अब सीट मैट्रिक्स होता क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सीट मैट्रिक्स गाइस कुछ ऐसा आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इस सीट मैट्रिक्स में जो भी कॉलेजेस है गाइस, जो भी सपोज MBA में आप एडमिशन ले रहे हो, तो MBA में जितने भी कॉलेजेस आपको अवेलेबल रहेंगे इस साल, वो सारे कॉलेजेस आपको सीट मैट्रिक्स में देखने को मिलेंगे। अगर सपोज इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे होंगे तो इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेस होंगे जहां पे CET का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है, वो सारे कॉलेजेस आपको सीट मैट्रिक्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स से हमें ये समझ में आता है कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है, फिर उसमें रिजर्वेशन डिटेल जो है वो सारी डिटेल में रहती है, एंड फिर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक TFWS का जो स्लॉट है वो रहता है, जिसमें मेंशन रहता है कि इस कॉलेज में TFWS की सीट्स जो है वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। जैसे आप देख सकते हो 120 का सैंक्शन इनटेक है, तो इसका 5% 6 सीट्स यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। वही यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आप देख सकते हो 60 सीट्स का इस ब्रांच का जो इनटेक है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका 5% 3 सीट जो है वो हमें यहाँ पे TFWS के लिए जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये होता है गाइस सीट मैट्रिक्स। ये सीट मैट्रिक्स कब आता है, जब आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी उसके बाद गाइस आपको उसी दिन सीट मैट्रिक्स का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाता है। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस TFWS के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या डिसएडवांटेज होते हैं चलिए देखते हैं। तो अगर गाइस आपका एडमिशन TFWS के थ्रू होता है तो आप सेकेंड ईयर में कोई भी अपनी जो ब्रांच वगैरह वो चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे स्पेशली ये इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा होता है कि फर्स्ट ईयर में सपोज़ कोई स्टूडेंट ENTC ले लेता है, सेकंड ईयर में वो देखता है कि फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर वगैरह आया है, यार मुझे ब्रांच चेंज करना है, ENTC से मुझे CS या फिर IT जाना है, तो वो चीज़ जो है वो आप जो है वो TFWS के थ्रू नहीं कर सकते, अगर आपका TFWS के थ्रू एडमिशन होता है तो। इसके अलावा आप अपना जो कोर्स वगैरह वो भी चेंज जो है वो नहीं कर सकते हो, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि अगर हमें ड्रॉप लगा या फिर बैकलॉग लगा तो क्या TFWS चला जाता है, वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा कौन से कोर्सेज में TFWS का ऑप्शन अवेलेबल है चलिए देखते हैं। तो TFWS गाइज आपको फर्स्ट ईयर ऑफ MBA एंड MCA में जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज TFWS आपको जो है वो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के एडमिशन में देखने को मिल जाएगा, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग में देखने को मिल जाएगा, एंड फार्मेसी एंड डिज़ाइन एंड प्लानिंग में आपको TFWS का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई गाइज बेसिक डिटेल्स। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है TFWS में अप्लाई करने का वो देखते हैं। तो देखो गाइज ओनली महाराष्ट्र कैंडिडेट जो है वो TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो आप जो है वो TFWS के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपका कैंडिडेट टाइप ऐसा होना चाहिए जिससे ये समझ में आए कि आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है TFWS में अप्लाई करने के लिए, वो है गाइज आपका जो पेरेंट्स का इनकम है
वो 8 लाख से जो है वो कम रहना चाहिए, ठीक है। अगर 8 लाख के ऊपर अगर इनकम जाता है तो फिर आप TFWS के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए गाइज आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होता है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे आपको और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या फिर TFWS का सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो नहीं लगता है, बस इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस जो है वो सिंपल ही होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम आपको जो है वो TFWS के लिए जो है वो येस करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे चलिए वो भी हम देखते हैं अब डिटेल में, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो बता दी है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कैसे हम जो है वो अप्लाई करेंगे, कैसा फीस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो सीट मैट्रिक्स है टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने डाल दिया है, जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये पिछले साल की सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो जब गाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस टाइम गाइज एक वहाँ पे सेक्शन होता है जो कि है स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स वाला सेक्शन। इस सेक्शन में गाइज हमें TFWS का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS ट्यूशन फी वेवियर स्कीम, ऐसा एक जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपको येस या नो का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो अगर आपको TFWS के लिए अप्लाई करना है तो येस पे क्लिक कर देना, अगर आपको नहीं अप्लाई करना है तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी डाउट आते हैं कि अगर हम TFWS के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हम फिर हमारी जो कैटेगरी है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो, साथ ही में आप TFWS से भी अप्लाई कर सकते हो। सेम सभी कैटेगरी के लिए ओपन से भी अप्लाई कर सकते हो एंड TFWS से भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों के अलग अलग हमें जो चॉइस कोड है वो डालना पड़ता है, वो कैसे डालेंगे वो भी बताता हूँ, टेंशन मत लो। आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा मत समझो कि TFWS डाला तो बस TFWS से ही अप्लाई कर पाएंगे, वो मत सोचो, आप दोनों से कर सकते हो तो डबल बेनिफिट आपको यहाँ पे जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। कैसे वो भी देखते हैं आगे। नेक्स्ट है गाइज की फी स्ट्रक्चर में हमें कितना जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो ये है गाइज एक कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाला हुआ है। ओपन का, ओपन कैटेगरी का गाइज इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। टोटल जो फीस है ओपन कैटेगरी की वो है 1,59,301 रुपीज, ठीक है, जिसमें ट्यूशन फी है गाइज 1,26,000 के आसपास एंड फिर डेवलपमेंट फीस है 18,900 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इसमें से गाइज अगर आपका TFWS के थ्रू एडमिशन होता है तो ये वाली जो ट्यूशन फी है वो आपकी पूरी जो है वो माफ़ हो जाएगी। वही आप देख सकते हो TFWS का फी स्ट्रक्चर क्या है, ये जो ट्यूशन फी है वो एग्जेम्प्टेड हो गई, मतलब माफ़ हो गई, बस आपको डेवलपमेंट फीस जो है वो भरना पड़ेगा। फिर अभी अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फीस रहती है, जहाँ पे अदर फीस में 13,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगे गए हैं, स्टूडेंट इंश्योरेंस में एक्स्ट्रा फीस मांगी हुई है, वही गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा तो यहाँ पे अदर फीस वगैरह जो है वो आपको नहीं लगेगी, ठीक है। ट्यूशन फी के अलावा जितनी भी फीस रहेगी वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, ट्यूशन फी जो है वो आपकी माफ़ हो जाएगी। बट अच्छा खासा डिफरेंस आता है, जैसे आप देख सकते हो इस कॉलेज की ट्यूशन फी 1 लाख के आसपास थी तो अच्छा खासा डिफरेंस आ गया। ओपन की फीस यहाँ पे 1,60,000 है, वही TFWS की अगर आप फीस देखोगे तो यहाँ पे 32,000 के आसपास हमें जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज का देखोगे तो फीस आपको और भी जो है वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में अदर फीस, डेवलपमेंट फीस जो है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें TFWS के लिए जो है वो अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्यों वो भी बताता हूँ। तो आप देख सकते हो TFWS का यहाँ पे जो फीस है वो है 32,780 रुपीज़, वही एससी एंड एसटी कैटेगरी का जो फीस स्ट्रक्चर है गाइज वो है 13,801 रुपये, ठीक है, मतलब 13,801 रुपीज़। तो आपको एससी कैटेगरी में ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, एससी कैटेगरी में आपको जो डेवलपमेंट फीस है वो भी पे नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी एससी एंड एसटी कैटेगरी से होंगे वो TFWS के लिए अप्लाई मत करो, आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको बेनिफिट्स कम हो जाएंगे, एससी एसटी में ज़्यादा बेनिफिट्स है। बाकी जितनी भी अदर कैटेगरीज है उसमें आप जो है वो TFWS के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हो, आपको बेनिफिट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब गाइस कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, मैंने पोल डाला कि आपको TFWS से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है वो कवर करते हैं, फिर हम कट ऑफ्स की ओर बढ़ेंगे। तो पहले स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर TFWS कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो नॉर्मल है वही लगेंगे, बस आपको एक्स्ट्रा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगेगा, जिसमें आपका जो इनकम है वो 8 लाख से कम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि हाउ मच परसेंटेज रिक्वायर फॉर TFWS। तो देखो जितना अच्छा कॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो आप पे डिपेंड है कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई करते हो, ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है कि 90% के ऊपर मिलेंगे तभी TFWS मिलेगा। अगर आप एक थोड़े एवरेज या फिर एवरेज के बिलो कॉलेज में अप्लाई करोगे तो आपको TFWS 80-85 पे भी मिल सकता है, ठीक है। बट आप टॉप कॉलेज में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे 99% भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कॉलेज पे, सभी कॉलेजेस का TFWS का जो कट ऑफ है वो अलग रहता है।
नेक्स्ट है, क्या हम सारे कॉलेज में TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप सारे कॉलेज में TFWS के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बस ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे 50% से कम एडमिशन हुआ था पिछले साल, उन कॉलेजेस में आपको TFWS नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी सभी कॉलेजेस में आप TFWS के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेयर कैन वी गेट द TFWS कॉलेज कोड। अब TFWS का जो कॉलेज कोड है वो अलग होता है एंड नॉर्मल जो चॉइस कोड है वो अलग होता है। क्या डिफरेंस होता है, चलिए देखते हैं। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें सीट मैट्रिक्स से पता चल जाता है। तो जैसे मैं इंजीनियरिंग का आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, इस कॉलेज का सिविल इंजीनियरिंग का चॉइस कोड आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग का चॉइस कोड। जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे कैप राउंड में, जब कॉलेजेस के ऑप्शन डालोगे, तब हमें वहां पे कॉलेजेस के नाम नहीं डालना पड़ता बल्कि ये जो चॉइस कोड है वो डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया गाइस नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग का चॉइस कोड। एंड वही अगर हम TFWS का चॉइस कोड देखते हैं तो यहां पे हमें सेम ही चॉइस कोड देखने को मिलता है, बस एंडिंग यहां पे जो है वो टी से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे TFWS का मीनिंग यहाँ पे टी आता है, तो ये चॉइस कोड में जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो ये चॉइस कोड आपको जो है वो सीट मैट्रिक्स में भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम TFWS के लिए अप्लाई करते हो, तो जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के, जैसे इस कॉलेज का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग के दो चॉइस कोड देखने को मिलेंगे, एक नॉर्मल चॉइस कोड एंड एक TFWS वाला चॉइस कोड। जो अप्लाई करेंगे उन्हें ही देखने को मिलेगा, जो TFWS के लिए अप्लाई नहीं करेंगे उन्हें जो ये वाला चॉइस कोड है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो होप सो ये भी क्वेश्चन जो है वो अब सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट है, कैन वी अप्लाई थ्रू बोथ TFWS एंड नॉन TF? हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो। आप OBC हो तो OBC से भी अप्लाई कर सकते हो, TFWS से भी अप्लाई कर सकते हो। बस जो कॉलेज की लिस्ट है वो थोड़ी दिमाग से बनाना ताकि आपको ज़्यादा फायदे हो। कैसे बनाएंगे वो भी बताता हूँ। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ TFWS एंड इज़ इट ओनली फॉर महाराष्ट्र डोमेसाइल स्टूडेंट्स और इट इज़ ऑल्सो फॉर, देखो अदर स्टेट के लिए नहीं है, बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ये है। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अगर TFWS कैंडिडेट को किसी सेमिस्टर में बैकलॉग लग गया बाई चांस, तो क्या TFWS सीट कैंसिल हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर से पूरा फीस पे करना पड़ेगा या सिर्फ ईयर ड्रॉप पे ही ऐसा होगा? तो देखो, अगर सपोज आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आपको TFWS के थ्रू सीट मिला है, आपका एक आधी बैकलॉग लगा है, तो आपको कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप TFWS से कंटिन्यू कर सकते हो। आप सेकंड ईयर में जाओगे तब भी आपको कमी फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। बट सपोज अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 50% से ज़्यादा जो है वो बैकलॉग लग जाते हैं, आपको ईयर ड्रॉप लग जाता है, तो तब आपका जो TFWS का बेनिफिट है वो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा आपके साथ होगा कि 50% से ज़्यादा बैकलॉग लग जाएंगे, क्योंकि TFWS मेनली उन्हीं को ही मिलता है जिनके परसेंटाइल अच्छे होते हैं। ठीक है, कोई भी कॉलेज का आप कट ऑफ देखोगे तो मैक्सिमम कट ऑफ TFWS का ही जाता है। ठीक है, तो ऐसा ये प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। एक दो बैकलॉग लग दे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ईयर ड्रॉप लगेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस कि कैन ओपन कैटेगरी स्टूडेंट अप्लाई फॉर TFWS, इज EWS कंपलसरी फॉर TFWS? ऐसा कुछ नहीं है, आप ओपन कैटेगरी के हो, आप TFWS से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आपको EWS से अप्लाई करना है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों का मेन क्राइटेरिया यही है कि आपका इनकम जो है वो 8 लाख से कम रहना चाहिए। अगर आप बस नॉर्मल ओपन से अप्लाई कर रहे हो एंड आपका 8 लाख से कम इनकम है, तो आप TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ ही में आप EWS से भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको TFWS के लिए अप्लाई करना है तो आपको EWS से भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसा करना है आप कर सकते हो। ठीक है, आपकी बस इनकम जो है वो 8 लाख से जो है वो कम रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे गाइस कॉलेज कट ऑफ्स के ऊपर एंड कैसे आपको जो कॉलेज लिस्ट है वो बनानी चाहिए। तो ध्यान से गाइस अभी सारी जो चीज़ है वो सुनना। तो अभी चलिए गाइस देखते हैं कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ्स की, इसमें हमें क्या डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो देखो गाइस, जो TFWS का कट ऑफ्स है वो मेनली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कोई भी कट ऑफ। ठीक है, जैसे ये है गाइस MBA का बेस्ट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, जामनाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसका जनरल ओपन कैटेगरी का कट ऑफ आप देख सकते हो 99.93 है एंड जो रैंक है वो 54 है। फर्स्ट राउंड में 54 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया था। वही अगर हम TFWS का कट ऑफ देखते हैं तो आप देख सकते हो 26 रैंक पे क्लोज हुआ था एंड कट ऑफ है 99.96। ठीक है, तो TFWS का कट ऑफ हमें हमेशा ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इसमें बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं एंड कोई भी अप्लाई कर सकता है जिनका इनकम 8 लाख से कम होता है। तो हमेशा TFWS का जो ऑप्शन है वो ऊपर रखना चाहिए। कैसे रखेंगे वो भी दिखाता हूँ। वही अगर इंजीनियरिंग में हम देखते हैं तो COEP वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, उसकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच आप देख सकते हो 97 कट ऑफ जो है वो 99.91 गया था एंड रैंक 97 गया था। वही अगर हम TFWS में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। TFWS में 95 पे क्लोज हो गया था एंड 99.91 कट ऑफ जो है वो इस कॉलेज का गया था। वही आप सिविल का देख सकते हो 98.08 जो है वो कट ऑफ गया था। वही अगर हम TFWS में देखते हैं तो यहाँ पे 98.2 एंड जो
रैंक है वो आपको 2964 यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम टाइम्स यही ट्रेंड देखने को हमें मिलता है कि TFWS का जो रैंक है वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा, कट ऑफ थोड़ा ऊपर देखने को मिलेगा एंड बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ जो है वो नीचे देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी कैपराउंड का फॉर्म फिल करोगे TFWS का ऑप्शन ऊपर रहना चाहिए एंड नॉर्मल कैटेगरी का ऑप्शन जो है वो नीचे रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बस डेमो के लिए एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैं बस दो कॉलेज डाले एंड सपोज करो कि मेरा परसेंटाइल है 99.99, ठीक है। तो अभी MBA के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा कि JBIMS जो है वो बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। एंड मुझे TFWS से भी अप्लाई करना है एंड नॉर्मल कैटेगरी से भी जो है वो अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो मेरा कॉलेज का ऑप्शन रहेगा वो रहेगा JBIMS का TFWS वाला ब्रांच, ठीक है। जैसे आपको ये दिखा देता हूँ, ये मैंने यहाँ का जो कोड है वो कॉपी कर लिया, ठीक है, ये वाला कोड एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया ताकि मैं आपको एग्जाम्पल दे सकूँ। तो पहला मेरा हमेशा ऑप्शन जो है वो TFWS का रहना चाहिए एंड फिर मेरा जो ऑप्शन है वो नॉर्मल वाला रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे TFWS का ऑप्शन पहले डाला एंड फिर नॉर्मल वाला जो चॉइस कोड है वो डाला, ठीक है। तो मुझे तो सबसे अच्छे परसेंटाइल 99.99 तो कॉलेज तो ईजिली मिल जाएगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की रहेगी कि प्रिफ्रेंस जो फर्स्ट है वो मुझे लगेगा क्योंकि कट ऑफ तो मेरा परसेंटाइल अच्छा है। तो इसे फर्स्ट पर डालने का एंड इसे जो है वो सेकेंड पर डालना, ताकि अगर कोई भी आपको कॉलेज जो है वो लगने वाला है तो पहले वो ये देखे कि आपने TFWS वाला डाला है। अगर ये लगता है तो ये लग जाएगा, अगर ये नहीं लगता है तो फिर ये जो है ये वाला जो है वो मुझे लगेगा, ठीक है। बट सपोज अगर आप ये वाला जो है वो नीचे डालते हो एंड ये वाला जो है वो ऊपर डालते हो, तो अगर आपको ऊपर वाला ही पहले लग जाएगा तो TFWS वाला वो देखेगा भी नहीं, ठीक है। तो वो जो मिस्टेक है वो मत करना। अभी लिस्ट के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्योंकि फर्स्ट वाला जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज़ वगैरह हो जाता है, फिर आप कॉलेज मतलब कैपराउंड में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, ऑटो फ्रीज़ हो जाता है, उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। कॉलेज लिस्ट के ऊपर और डिटेल में मैं चीज़ें आपको जो है वो बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल बस मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि TFWS का ऑप्शन हमेशा ऊपर रहना चाहिए एंड नॉर्मल कॉलेज का जो ऑप्शन है वो हमेशा उसके नीचे रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है एंड बेनिफिट्स भी TFWS के ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके ऊपर वीडियो और डिटेल में आएगा, वो ज़रूर देखना। फिलहाल TFWS से रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें वो कवर कर ली है। मैट्रिक्स आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, एक डाउट हो सकता है कि यार क्या हमें TFWS के लिए स्कॉलरशिप में अप्लाई करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपका TFWS के थ्रू एडमिशन होता है तो आपका एडमिशन का जो फीस है वो डायरेक्ट कम हो जाता है, कोई भी आपको स्कॉलरशिप के लिए वगैरह जो है वो अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी मैंने सारे जो डाउट्स है वो आपके क्लियर कर दिए। अभी और भी कुछ होगा तो कमेंट्स में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस आंसर कर दूं। इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड गाइज ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।